ब्रेक तो स्वागत है सारे ही दर्शकों का। रुक करांगे अहम खबर का। ऑपरेशन लोटस के तहत दर्ज एफ आई आर की कॉपी हुण बिक्रम मजीठिया के वलों जनतक की गई है। अणपछात्या थी मामला दर्ज किए जाने उन्होंने वालों सवाल चुके गए हैं। शीतल अंगुराल नूं मिली धमकी का एफ आई आर जिक्र न होते भी आप घेरते हुए बिक्रम मजीठिया नजर आए। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के वलों दर्ज कराई एफ आई आर से हुण तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई, यह सवाल भी उन्होंने वालों दागया गया। एफ आई आर झूठी जां डीजीपी आयोग मजीठिया के वलों एक तिखा सवाल भी किया गया। बिक्रम सिंह मजीठिया ने राजपाल तो निरपक्ष जांच की इस मौके मंग भी की थी। तो एफ आई आर की एक कॉपी तुसी देख पा रहे हो जो कि जनता की गई है, जिसके बाय नेम ए एफ आई आर ए परचा जो है दर्ज ही नहीं है। दस दिए कि शीतल अंगुराल नूं मिली धमकी का इस एफ आई आर कोई जिक्र नहीं है, जिसनों लैके आम आदमी पार्टी घेरते हुए बिक्रम सिंह मजीठिया नजर आए हैं। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के वलों ये एफ आई आर दर्ज करवाई गई थी। दस दिए कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोड़ी के वलों ये एफ आई आर दर्ज कराई गई थी, जिससे कि हाले तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस लैके भी उन्होंने सवाल किया। उन्होंने सीधा यह भी पूछा कि यह एफ आई आर झूठी है या फिर डी जी पी आयोग ने, यानी कि पुलिस प्रशासन से भी सवाल चुकया गया कि हाले तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के वलों अणछात्या के खिलाफ ये एफ आई आर ऑपरेशन लोटस को लैके दर्ज करवाई गई थी। हालांकि विरोधी धिर खास तौर पर भाजपा के वलों सबूत जनतक करने की गल पहला ही की जा चुकी है। विधानसभा का जो सैशन गवर्नर साहब ने कैंसल किया, मैं उदा पूरी तरीके नाल स्वागत तो नहीं करता, फैसला ठीक जरूर मानता। और सैशन बुलाया कहदे लई गया कि जी साड़ी सरकार ने कॉन्फिडेंस मोशन लियाउणा। मैं थोनू एक गल पुछना चाहुंदा है, 92 MLA ने मान साहब, 92 MLA ने थोड़े च उन्होंने 92 चो किने नो कॉन्फिडेंस पेश किया, पहला तो वो नौ जनतक करो। गवर्नर साहब मेरी थोड़े तो पहली डिमांड, पंजाब ते बोझ पैण तो तुसी बचा लिया, थोड़ा धन्यवाद है, मगर मार्क एन इनक्वायरी असी चाहते। सच सामने आवे कि जे कोई बीजेपी का लीडर, जे कोई दलाल एज सजेस्टेड एंड एलीगेशन मेड बाय हरपाल चीमा ते अमन अरोड़ा कि यह गल्ला सच सी ते उन्हां दे चेहरे बेनकाब होण, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होवे। ते जे वो एलीगेशन झूठ है ते फिर इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करो। लोकां नूं इस तरह मूर्ख बनाउण दे लई सैशन नहीं सद्दे जा सकदे। 92 आप दे MLA चों एक ने भी चिट्ठी लिखी कि सानू भगवंत मान ते भरोसा नहीं? नहीं। 22, 23 या 24 MLA ने ऑपोजिशन दे, जे सारे कट्ठे हो जान मसा जाके इन्हां दी स्ट्रेंथ बनती है नो कॉन्फिडेंस मोशन लियाउण वास्ते, ना उन्हां दी कोई चिट्ठी। हुण एफ आई आर रजिस्टर कित्थे हुई? जिथे दास ते हुई। दास दा एफ आई आर नंबर किन्ना सी? 000002। ते एफ आई आर नंबर किन्ना है? 000003। कंप्लेनेंट ने विधानसभा, पवित्र विधानसभा दे कस्टोडियन, डेप्टी कस्टोडियन साहब रोड़ी साहब, रोड़ी साहब भाई साहब थोड़े ते तो मतलब डबल जिम्मेवारियां ने। कल्ली ये नहीं कि तुसी एक MLA हो, तुसी पंजाब विधानसभा दे डिप्टी स्पीकर भी हो, थोड़े वालों एफ आई आर कराई गई होवे। अज 9 दिन तक उहदा रिजल्ट की? 0। एक अरेस्ट उहदे च होई होवे, एक कार्रवाई होई होवे। मैथाज यादव साहब चाहुंदा नहीं सी कि DGP साहब मैं थोड़े ते कोई सवाल उठावां, मगर मजबूरन अज उठाना पै रहा। गल्लां तां दो ने मित्रों, इहदे च जां तां एफ आई आर देखो एडी बोगस है कि यादव साहब ने कहा भाई इहदे च कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ते जां दूजी गल कि यादव साहब थोड़ी तुसी एडे इनकॉम्पिटेंट हो कि तुसी कोई कार्रवाई नहीं करते। यार 9 दिन हो गए,
पंजाब दी विधानसभा पंजाब दे एमएलएस नू 2000 करोड़ 25-25 करोड़ च खरीदण दी एलीगेशन होवे, एक तो इंपॉर्टेंट मुद्दा कोई नहीं, पंजाब दा जला सद लिया गया होवे, करोड़ा रुपये पंजाब दे खजाने नू चूना लग रहा होवे एक सैशन सदे दा, ते जेड़ी एफआईआर होई आ उहदा रिजल्ट जीरो, परचा दर्ज किहदे खिलाफ होया? कस्टोडियन ऑफ द हाउस जय किशन रोड़ी साहब, तुसी भी जे इस जालसाजी च 420 च शामिल होना, जान थोड़ी भी नहीं बचनी, फिर परचा दर्ज करा रहे अननोन पीपल दे। एक पासे तुसी कह रहे हो थोड़े कोल सारे सबूत ने, दूजे पासे तुसी अननोन पीपल दे परचा दर्ज करा। मैं एफ आई आर की कापी भी भेज दे भाई, इतने पूरिया जिन्या कने होनिया सामभ लियो, ये भी लॉ अफसर एडवाइस दे रहा। वेखो जे एफ आई आर की पैरा च दम हो वे, ते 9 दिन च तां थानेदार रिजल्ट कर दिंदा, इत्थे डीजीपी साहब तो रिजल्ट नहीं निकल रहा। एफ आई आर एड्डी बोगस है, तो एड्डी लूसली वर्डेड है, तो एड्डी यूसलैस है। कहिंदे सी अरंगल साहब जिहड़े ने शीतल जी, उन्हां नू थ्रैट किया गया, उन्हां ते अटैक होया। इस एफ आई आर च कोई थ्रैट का ते कोई अटैक का जिक्र तक नहीं। फिर कि खजाना मंत्री साहब, तुसीं लोकां नूं झूठ बोल रहे सी, उदों टीएम साहब नूं कर लिया, हुण मेरी डीजीपी साहब नूं है कि जे तुसीं इस मुद्दे ते संवेदनशील हो, इन्हां दे फोन लो कब्जे थले सारे, उहदी कराओ फोरेंसिक जांच, क्योंकि फोन जिन्हां नूं आए आ उन्हां दे फोन तां तुसीं रखे नहीं, सारा एविडेंस तां चलना फोन तो। हुण हाई कोर्ट मोनीटर्ड हो जाए जां सुप्रीम कोर्ट मोनीटर्ड हो जाए, जां इह एलीगेशन बाबू अमित शाह जी ते अरंगोल लाउंदा, जा होम मिनिस्ट्री आप दे तरफ तो इंटरवीन करके सेंट्रल एजेंसी तो करा दे, होर तक किस तरह आना सच सामने। ये वो वड्डी फोटो है जी जिहड़ी तुहानू विखाउणी सी कि ये किन्ना झूठ बोलदे, तदे तां मैं कह रहा इहनां दा लाई डिटेक्टर टैसट हो जाए। वो बंदे नूं तां अज संविधान जिहड़ा इहनां दा सम्मेलन है सब तो अगे बिठाया, हर प्रोग्राम ते अगे हुंदा, जिस दिन आ सम्मेलन होया सी आ फिर बैठे आ सिंगला जी उत्थे। मैं तुहानूं तां बार बार विखा रहा कि एक मिनिस्टर नूं कैबिनेट चो डिसमिस करदे आ, एफ आई आर करदे आ, परचा दर्ज कराउंदे, मुड़ के उहनूं फिर क्यों लई फिरदे हो भाई नाल, इह जिहा झूठी आ इह, उही झूठ दी रीटेक आ। सो बिल्कुल ऑपरेशन लोटस नूं लैके लगातार सियासत पकती हुई नजर आ रही है, हुण रुक करांगे।